मोहम्मद पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज रमजान का महीना लग गया है, आज पहला रोजा है और इसी चीज को लेके, रमजान के महीने को लेके पुलिस स्टेशन ने, मनपा ने और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इन तीनों ने मिलके एक फैसला किया है कि मुमरा के रोड पे जो हर साल ट्रैफिक जाम होती है, जो लोगों को समस्या का एक बहुत बड़ा इशू है, ट्रैफिक आप कहीं से भी आओ तो कभी ऐसा होता है कि आपके रोजे छूट जाते हैं, रास्ते में ही अजान हो जाती है, इतनी ट्रैफिक होती है। कभी ऐसा होता है कि आपकी तरावी भी छूट जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है। तो इसी चीज़ को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग की गई थी 4-5 दिन पहला कि मतलब हम क्या क्या करेंगे, जैसे कि रास्ते पे जो दुकान वाले हैं उनको हम दुकान नहीं लगाने देंगे, और दूसरी चीज़ है कि जो रिक्शा वाले लाइन के बाहर जो खड़े रह के पैसेंजर उतारते हैं और रॉन्ग साइड से जो पैसेंजर उतारते हैं करेंगे, जो बाइक वाले हैं कहीं भी खड़ा करके जाते हैं हम उनके ऊपर भी कार्रवाई। तो इसी चीज़ को लेके, ट्रैफिक को लेके कल जो है जो ट्रैफिक पुलिस के सीनियर लंबाटे साहब हैं उन्होंने कब्रस्तान के पास एक कार्रवाई की वहाँ पर। तो जितने लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के जो बाइक चलाते हैं और जिन पे नंबर प्लेट नहीं होती है, जो हेलमेट नहीं लगाए हुए होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई, और जैसे कि जो 6 सीट लेके रिक्शा वाले जा रहे हैं उनके पास बैच नहीं है या उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है या उनके गाड़ी के पेपर्स नहीं है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई। इस दौरान काफ़ी बाइक वाले जो है वो कुछ दादागिरी भी करने की कोशिश की वहाँ पर, और मतलब वहाँ पर गुंडागर्दी भी जैसा माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस लंबाटे साहब जो है, जो सीनियर PI है ट्रैफिक के, उन्होंने अच्छा गाइड किया और हैंडल किया कि कहीं कुछ होने नहीं दिया और अब ऐसे ही चलेगा मुमरा के अंदर। हमने उनसे जब पूछा मतलब क्या होएगा, बोले मुमरा को हम सुधार के ही रहेंगे, ये जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं या बगैर लाइसेंस के चलाते हैं, कल इनके एक्सीडेंट हो जाते हैं या कोई हादसा हो जाता है तो हमारे पुलिस के पास ही आते हैं ये हमको शिकायत करने के लिए, तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए नहीं कर रहे, ये हमारे बच्चे नहीं है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।